हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ यूनिवर्स 28। और आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स एंड क्लोपन सेट्स से रिलेटेड एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्लोज सेट्स। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने ओपन सेट का डिस्कशन कर लिया था, लेकिन आज के इस पार्ट में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लोज सेट्स के बारे में। यदि आपने ओपन सेट्स वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई टैब में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज सेट्स क्या होता है? ठीक है, यदि हमारे पास एक्स टी कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस दी हुई है, देन अ सबसेट ए ऑफ एक्स इज सेट टू बी टी क्लोज सेट। एक सबसेट एक्स का, उसको हम क्लोज सेट बोलेंगे और सिंपली क्लोज सेट इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट। इसका मतलब क्या है? हमने ओपन सेट में बोला था कि यदि एक्स का कोई सबसेट ए है, उसको हम ओपन सेट कब बोलेंगे? यदि ए बिलोंग्स टू टी है। लेकिन इसको क्लोज सेट कब बोलेंगे? यदि ए कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट होगा। ओके, आप इस डेफिनेशन को देखिए, यहाँ पर रिमार्क दिया हुआ है कि क्लोज सेट से रिलेटेड भी क्लोज सेट्स में क्या हो सकता है। नंबर वन है इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्री फैमिली ऑफ क्लोज सेट इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज सेट। यदि हम आर्बिट्री फैमिली लें और उनकी इंटरसेक्शन करें क्लोज सेट की, तो वो एक क्लोज सेट मिलेगा। और यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज सेट। यदि फाइनाइट नंबर की यूनियन लें क्लोज सेट्स की, वो एक क्लोज सेट फॉर्म करेगी। ठीक है, तो चलिए अब इनका वन बाय वन प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्री फैमिली ऑफ क्लोज सेट इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज। क्या कहना चाहता है कि यदि हम बहुत सारे फाइनाइट और इनफाइनाइट कितने भी क्लोज सेट उठाएं और उन सभी की इंटरसेक्शन कर दें, तो वो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी एक क्लोज सेट ही होगा। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या किया हमने? लेट के अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी आर्बिट्री फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी। किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी में हमने आर्बिट्री फैमिली, बहुत सारे क्लोज सेट्स की फैमिली ले ली, जिसको नाम दिया हमने के अल्फा। ओके, अब हमको पता है क्लोज सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यदि इनका कॉम्प्लीमेंट करें क्लोज सेट का, तो वो एक ओपन सेट होता है। इसीलिए के अल्फाज कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट, टी ओपन सेट, ये एक ओपन सेट होगा। ओपन सेट है तो इसका मतलब क्या है? ये सभी एलिमेंट्स इस तरह के जो होंगे, जो ये टी में होंगे, फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट के लिए। ओके, अब हमको पता है कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट एक ओपन सेट फॉर्म करता है। ठीक है, तो यूनियन करें इन सभी, ये तो ओपन सेट हो गए। यदि हम इनकी यूनियन लें, ठीक है, आर्बिट्री यूनियन लें, वो भी टी में लाई करेगा, क्योंकि आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट है जो ओपन सेट होता है। ठीक है, बट हमें पता है डी मॉर्गन लॉ से, क्योंकि हमें जानते हैं कि ए यूनियन बी इज कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आता है। इसी तरह यदि हम इन सभी की इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लें, तो ये यूनियन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये डी मॉर्गन लॉ से हो जाएगा। तो क्योंकि हमें पता है ये तो टी में लाई करता था, तो ये इसके इक्वल ही है, तो ये भी टी में लाई करेगा। तो इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, के अल्फा कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू टी, ये भी एक टी में लाई करेगा। ओके, ये टी में लाई करेगा, तो इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट के अल्फा इज टी क्लोज सेट, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट टी में लाई करता है, तो ये एक क्लोज सेट होगा। ओके, तो ये था इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्री फैमिली ऑफ क्लोज सेट इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज्ड। अब हम बढ़ते हैं सेकंड रिमार्क की ओर। इसमें पूछा गया था यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज्ड। यदि हम फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स लें और उन सभी की यूनियन कर दें, तो वो भी एक क्लोज सेट फॉर्म करेगा। कैसे इसका प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। इसके प्रूफ के लिए हमने क्या किया? हमने फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट ले लिए, K1, K2 अप टू KR फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस XT। XT टोपोलॉजिकल स्पेस में हमने फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स ले लिए। ठीक है, ये क्लोज सेट्स हैं, तो इनका कॉम्प्लीमेंट हैं जो ओपन सेट्स होंगे। तो K1 कॉम्प्लीमेंट, K2 कॉम्प्लीमेंट, अप टू KR कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू टी, ये टी में होंगे, क्योंकि टी में सभी के सभी ओपन सेट्स होते हैं और ये ओपन सेट्स हो जाएंगे, तो ये टी में लाई कर जाएंगे। यदि हम इनकी इंटरसेक्शन लें, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर हैं, तो हमें पता है इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, ये हमने ओपन सेट की वाली वीडियो में देखा था। तो इनकी इंटरसेक्शन भी टी में लाई कर जाएगी। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट से। ओके, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आर से लेके
आई इज इक्वल टू वन से लेके आर तक के आई इज कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू टी, ये सभी टी में लाई करेंगे। लेकिन हमको पता है डी मॉर्गन लॉ से हमें पता है कि ए यूनियन बी इज कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वहाँ से आ जाएगा यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू वन से आर तक की आई सभी का कॉम्प्लीमेंट करें तो इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू वन टू आर की आई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा डी मॉर्गन लॉ से, आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो हमने देखा था, ये तो टी में लाई कर रहा है तो ये भी टी में लाई करेगा, ये इक्वल है इसके तो ये टी में लाई करेगा। इसका क्या मतलब है, ये सभी यूनियन आई इजिकल टू वन से लेके आर तक के आई है, इन सभी की यूनियन ही तो है तो ये भी क्लोज सेट हो जाएगी। इससे हमको क्या पता चलता है कि यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज ऑल्सो क्लोज। ओके, आपको आई होप सब समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है, इज आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट। देखिए, अब तक हमने देखा था कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट होता है, लेकिन यदि फाइनाइट की जगह आर्बिट्री यूनियन लें क्या वो भी क्लोज सेट की एक क्लोज सेट फॉर्म करेगी, तो चलिए देखते हैं। नो, ऐसा नहीं होगा। हम इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लेट आर यू बी यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस, कोई भी यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है, एंड लेट के इज इक्वल टू क्लोज्ड माइनस वन कॉमा वन माइनस वन ओवर एन बी क्लोज सेट, एक क्लोज सेट ले लिया, ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन यदि हम इनकी आर्बिट्री सभी की यूनियन इकट्ठी कर दें, बट यूनियन करें तो हमारे पास तो क्या आएगा, माइनस वन कॉमा वन, इस तरह का इंटरवल आ जाएगा जो कि क्लोज इंटरवल नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि हम आर्बिट्री यूनियन करें क्लोज सेट की, वो क्लोज सेट नहीं होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यदि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स करें तो वो एक क्लोज सेट बनती है, जो हमने पीछे प्रूफ कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ क्लोज सेट्स, क्लोज सेट्स की कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ये एग्जांपल है कि लेट आर यू बी अ यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस, देन द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर आर क्लोज सेट्स। आर यू हमारे पास कोई भी यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, देन द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर, जे वाली सबसेट हैं आर के रियल नंबर्स के सेट के, सेट ऑफ इंटीजर्स एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये दोनों क्लोज सेट होंगे। तो चलिए हम पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के लिए क्या एक क्लोज सेट फॉर्म करेगा। तो सॉल्यूशन के लिए क्या किया, बिकॉज वी नो दैट इस सेट इज क्लोज्ड इफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट इज ओपन। एक सेट क्लोज्ड कब होता है, यदि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो, ये हमको पता है। सो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इंटीजर्स का तो क्या आएगा, रियल नंबर्स में से इंटीजर्स छोड़कर जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो वही किया, आर रियल नंबर्स माइनस इंटीजर किया तो हमारे पास यूनियन ऑफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल एन एन माइनस एन प्लस वन, इस तरह के इंटरवल की यूनियन करने पर जो भी मेंबर्स मिलेंगे वो आर माइनस जेड, ठीक है, इंटीजर्स के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, अब हमको पता है कि ये वाला इंटरवल है जो सिंस एन एन प्लस वन फॉर ऑल इंटीजर्स आर ओपन सेट, इस तरह के इंटरवल्स ओपन सेट होते हैं क्योंकि ये ओपन इंटरवल्स हैं। ठीक है, सो यूनियन ऑफ ऑल एन एन प्लस वन वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स इज ऑल्सो ओपन। अब हमको ये भी पता है यदि हम आर्बिट्री यूनियन लें ओपन सेट की, वो भी ओपन सेट होती है, तो इन सभी की यूनियन लेंगे तो वो भी ओपन सेट होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, आर माइनस जेड इस तरह का जो भी था ये एक ओपन सेट हो गया। ठीक है, यही तो हमने प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना कि इंटीजर्स थे जो ये क्लोज सेट फॉर्म करेंगे, इसके लिए इनका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो इंटीजर्स का सेट है जो क्लोज सेट हो गया। ओके, और ये सेकंड जो पार्ट है ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको ट्राई करके देखिए ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने क्लोज सेट के बारे में डिस्कशन किया, उसकी कुछ एग्जांपल्स की, उससे रिलेटेड थ्योरम्स का प्रूफ किया, रिमार्क्स किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और यहाँ पर कुछ टोपोलॉजी की और वीडियोज आ रही हैं, आप जाकर इनको देख सकते हैं। और अगली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्लोपन सेट के बारे में पार्ट 3 में। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।